जॉब्स आफ्टर CFA इन 2024 डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक देखना। सुनो, तीन ऐसे डोमेन्स हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स अपना करियर बहुत स्ट्रांगली प्लान कर सकते हैं। पहला कंसल्टिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मीनिंग सेल साइड, तीसरा बाय साइड। कंसल्टिंग सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कंसल्टिंग मीनिंग कि बिग फोर जैसी फर्म्स हो गई, बिग सिक्स हो गई, बिग एट हो गई, EYs, KPMG, PwC, Deloitte, GT, RBSA, MGOs of the world. These are the places you need to be if you want to make your career in consulting. Consulting में क्या क्या आता है? Consulting meaning वो domain जहाँ पे आपको आपका client per hour के basis पे payment करता है। दोबारा sell side और buy side में main पैसा मिलता है execution होने पर, काम कंप्लीट होने पर, सक्सेस फीस पर। कंसल्टिंग एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे ऐसी की तैसी कराने गया काम का कंप्लीशन। आप जितने घंटे काम करेंगे उसके हिसाब से आपकी फर्म को पेमेंट मिल जाएगी। आपकी लाइफ में इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, बिकॉज आपकी फर्म आपको थोड़ी ना पर आर पेमेंट करने वाली है। बट आपको ये चीज़ समझ जरूर आनी चाहिए कि कंसल्टिंग इज द डोमेन वेयर यू आर गेटिंग पेड। व्हेन आई एम सेइंग यू, आई मीन योर फर्म इज गेटिंग पेड फॉर द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू हैव वर्क फॉर योर क्लाइंट। इसमें क्या क्या हो सकता है? फाइनेंशियल मॉडलिंग मीनिंग आपको धंधा समझाएगा क्लाइंट और बोलेगा इसके प्रोजेक्शंस बनाओ और इससे एनालिसिस करो, दिस इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। सेकेंड डोमेन वैल्यूएशंस, इसमें क्या होगा? फाइनेंशियल मॉडल बना के देगा, बोलेगा आओ इससे मुझे वैल्यू कंप्यूट करके दो। अगर बिजनेस सिनेरियोज अच्छे रहेंगे तो क्या वैल्यू होगी, बुरे होंगे तो क्या वैल्यू होगी। सेंसिटिविटी एनालिसिस प्लस मॉडल प्लस वैल्यूएशंस, ये है सेकेंड डोमेन। थर्ड KPOs, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के दो पार्ट्स थे, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, ये दो आ गए कंसल्टिंग में। अगर ये दोनों आप इंडियन क्लाइंट्स के लिए कर रहे हो तो इसे फ्रंट एंड कहते हैं। अगर यही काम आप ऑफशोर क्लाइंट्स US, UK, दुबई बैठे हुए क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं तो इंडिया में ये काम KPOs, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग फर्म्स करती है। दिस वॉज अबाउट कंसल्टिंग। अब चलते हैं बाय साइड और सेल साइड में। सेल साइड फर्म्स क्या करती हैं? सेल साइड फर्म्स लाला जी के पास जाती हैं और बोलती हैं हम तुम्हारा धंधा बिकवा देंगे। लाला जी मतलब बिजनेसेस। तो लेट्स से वोडाफोन, एयरटेल अपना बिजनेस का कुछ स्टेक सेल करना चाहते हैं तो उन्हीं के पास कौन जाएगा? सेल साइड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, मीनिंग बिग फोर जा सकते हैं, JP Morgan चेस जा सकता है, ऐसे बहुत सारे सेल साइड फर्म्स बैठी हुई हैं मार्केट में। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगर बहुत बड़ी हैं तो उन्हें बल्ज ब्रैकेट कहते हैं, छोटी हैं तो उन्हें बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक्स कहते हैं। काम दोनों में सेम होता है। अब तीसरे डोमेन में चलते हैं जहां सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, दैट इज़ बाय साइड। बाय साइड मतलब अमीर आदमी, बाय साइड मतलब वो HNIs, वो फंड्स जिनके पास पैसा है, और सेल साइड वाले उनके पास आएंगे और बोलेंगे क्या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे। तो अगर आप कोई भी बड़े फंड को लें, अगर आप किसी भी, लेट्स से टेक इन्फोसिस का एग्जाम्पल, अगर आप नारायण मूर्ति साहब को लें तो उन्होंने अपना एक खुद का वेल्थ ऑफिस बना रखा है। अगर आप अजीम प्रेमजी साहब को दें तो उन्होंने अपना खुद का एक वेल्थ ऑफिस बना रखा है, कैटरमैन नाम से, प्रेम जी इन्वेस्ट नाम से। ये फंड्स को मैं बाय साइड फर्म्स बोलूँगा। ये प्राइवेट इक्विटी हो सकते हैं, बाय आउट्स हो सकते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा है। इन्होंने पैसा कहाँ से लिया? बहुत बड़े बड़े HNI से इन्होंने पैसा जमा किया और उसके बाद मार्केट में अच्छी अच्छी जगहों पर पैसा लगा रहे हैं। सो दीज आर बाय साइड फंड्स, सोवरेन फंड्स आ गए इसमें। तो मेनली जो तीन कैटेगराइजेशन थी, पहले थे कंसल्टिंग जो काम करके दे रहे हैं, दूसरे थे सेल साइड जो कंपनियाँ बिकवा रहे हैं, और तीसरे से बाय साइड पैसे वाले लोग जो कंपनियां खरीद रहे हैं।